नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। तो 2021 की ये पहली वीडियो होगी हमारे न्यूज़ स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आप सभी के लिए बहुत ही खुशियों भरा हो, और आपके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं। और आज की जो है हम वीडियो की शुरुआत करते हैं 1 जनवरी 2021 की पहली वीडियो से, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 2017 से 20 सेशन वालों की जो है परीक्षाएं हो चुकी है और उनकी कॉपियां जो है चेक हो रही थी बिहार यूनिवर्सिटी में पीजी डिपार्टमेंट में। तो कल जो है हंगामा किया गया बिहार यूनिवर्सिटी में टीचरों के द्वारा, यहाँ पर बहिष्कार किया गया है। तो चलिए आज का हेडलाइन पढ़ते हैं, 1 दिन में 50 कॉपियों की जाँच पर भर के शिक्षक बीबी में किया हंगामा। तो यहाँ पे जो है 1 दिन में 50 कॉपियों जो है टीचर्स से चेक कराई जा रही है। इसी वजह से जो है पीजी डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स बाहर से आए हैं, वो यहाँ पे असहमति जताते हुए उन्होंने विरोध किया इस चीज़ों का, और उन्होंने कॉपी चेक करना बंद कर दिया है। तो फिलहाल जो है एक आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि पार्ट 3 का रिजल्ट जल्द जारी करना है। 15 जनवरी आखिरी आपको जो है डेट बताया गया था कि 15 जनवरी तक कैसे भी हर हालत में पार्ट 3 की जो है रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम जरा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में गुरुवार की सुबह स्नातक पार्ट 3 की कॉपी के मूल्यांकन कार्य का जो है शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया। शिक्षक प्रति कुलपति के आवास पर पहुंचे और वहां नियम के विरुद्ध कॉपी जांच के लिए जो है दबाव बनाने का जो है आरोप लगाया। साथ ही वहां प्रदर्शन किया व वीबी के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना था कि नियम के विरुद्ध, यहां पे नियम के विपरीत जो है उनसे 50 से 60 कॉपियां जो है प्रति दिन जो है जाँच करने के लिए यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि जो है 25 से 30 कॉपी जांच करने का जो है प्रावधान है। आप सभी को मालूम हुआ कि एक दिन में कोई भी टीचर 25 से 30 कॉपियां ही चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पे उनसे दबाव बना करके 50 से 60 कॉपियां जो है चेक कराई जा रही है, कही जा रही है कि जल्द से जल्द आप लोग कॉपी जांच करके। और आप सभी को मालूम है कि इस बार OMR शीट पर जो है मार्क्स दर्ज करना है, इसमें और अधिक समय लग रहा है। ऐसे में जो है 1 दिन में 50 कॉपी की जांच करना संभव नहीं है, और इस लाइन में आप यहां पे विरोध करने वाले शिक्षकों का नाम पढ़ सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये उनकी अपनी जातीय मैटर है, लेकिन आपके रिजल्ट से जुड़ी है, इसलिए ये न्यूज़ मैं बना रहा हूं। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पूर्व में उन सभी से जो है 30 कॉपियाँ जांच कराई जाती थी, लेकिन बीबी की ओर से जो है नियम बनाया गया था कि 30 कॉपी ही जांच किया जाएगा, लेकिन इस पर जो दबाव पूर्ण तरीके से बताया जा रहा है कि 50 कॉपियाँ भी जो है चेक कराई जा रही है। पिछली बार जो है शीघ्र परिणाम जारी करने के लेकर के जो है राजभवन की तरफ से जो दबाव था, इसको लेकर के जो है परीक्षा नियंत्रक ने पहले कहा था कि आप जो है कॉपियों को 30 से ज़्यादा चेक करें, यानी कि 30 कॉपियाँ चेक करते थे तो आप 40 करें, 50 करें, 60 करें, तो 60 कॉपियों तक जो है चेक कराई गई थी। और इस बार फिर से जो है परीक्षा नियंत्रक ने जबरन 50 कॉपियाँ जो है जाँच करने का दबाव बना रहे हैं। तो यहाँ पे विरोध करने के बाद जो है कुलपति का आदेश यहाँ पे आया है, जिसपे कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन्होंने बैठक बुलाया और इसमें जो है क्या बातें हुई मैं आपको बताता हूँ। इधर प्रति कुलपति प्रो रविंद्र कुमार ने शिक्षकों का जो है मांग और कॉपी की जो है जांच जल्द ही शुरू करने के लिए जो है आनंद फानन में परीक्षा बोर्ड का जो एक बैठक बुलाया। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार व अन्य अधिकारियों के साथ जो है शिक्षकों की मांगों पर जो विचार किया। प्रोफेसर रविंद्र ने बताया कि मेन पेपर के जो है 30 और सब्सिडरी पेपर के 40 कॉपी की जांच जो है प्रस्ताव तैयार किया गया है, और यहाँ पे जो है प्रस्ताव तैयार करके भेज दिया गया है कुलपति की। कुलपति की अनुमति के बाद जो है शिक्षक इसी अनुरूप कॉपी की जो है जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व जो है कॉपी की जांच करने के लिए ₹18 जो है तय किया गया था, एक कॉपी की जांच करने के ₹18 तय की गई थी। इसकी वैधता थी कि निर्धारित कॉपी की जो है जांच करने पर ही जो है ये नियम लागू होंगे, और इस पर भी जो है विचार किया गया है। तो जैसा कि अब बताया गया है कि अब 2 तारीख को यानी कि 2 जनवरी को कल से जो है फिर से कॉपियों के मूल्यांकन स्टार्ट कर दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर जो हंगामा हुआ उसके कारण से 1 दिन बाधित हुआ, और आज कोई भी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी, आज छुट्टी रहेगा पूरी तरीके से, और कल से जो है फिर से शिक्षक अपने काम पर लौट आएंगे। और आशा करते हैं कि रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा, तो जो भी ऐसे पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं वो लोग सब्र रखें, रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। तो अगर आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड हैप्पी न्यू ईयर फिर से। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।